Labia. Labia. इन्होंने बाल कैमरा चलता कैमरा चलता कैमरा बिल्कुल देख ये देखिए आखिर एक ही था पकड़ लिया इसको हमने वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जनाब आज अपने डेरे पे ही हैं हम लोग तो काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रहे हैं जनाब टाइम नहीं मिल पा रहा था आप देख भी रहे होंगे कि काफ़ी बाबे छाबे बने हुए हैं कटिंग शटिंग करवाएंगे अभी तो नहीं काम से फ्री हो के क्योंकि काम के दिन है आपको पता है गंदम की बिजाई हो रही है और बाकी भी और बहुत सारे काम हैं जो हमारे करने वाले हैं और कर रहे हैं तो जनाब आइए चलते हैं अपने ब्लॉग की जाना वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा आपको मज़ा आएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कर दें जनाब अपने ब्लॉग की जाना तो इधर अपनी भैंसों को चारा वगैरह डाला हुआ था खा पी के और धूप विटामिन डी ले रही हैं तो बस थोड़ी देर तक उनको पानी वगैरह पिलाते हैं उसके बाद ये हमारा कट्टा बीमार हो गया था थोड़ा सा अभी तो माशाल्लाह से ठीक है फिर भी थोड़ा सा ना ढिला मट्ठा है पता नहीं क्या मसला है इसको डॉक्टर बता सकता है या फिर कोई और मसला बन गया ज़्यादा दूध पी लिया होगा इसने और यहाँ पे जी हमारा जो बच्चा है ना ये मारने वाला बच्चा इसको रेडी पे जोड़ेंगे एक दिन जोड़ा था उसके बाद फिर हमने डिसमिस कर दिया एक दिन नया बच्चा लिया था वो इधर तो बाकी आज हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है वो क्या चेंजिंग की है आपको यहाँ पे तितली नज़र आ रही नहीं आ रही नज़र आ शायद नहीं नज़र आ रही ये गैस करें कौन सी घोड़ी है जी इधर हम ले के आए हैं मुंह नहीं दिखाएंगे आपको बाद में दिखाएंगे तो आपको डेरे पे दूसरी साइड पे भी ले चलते हैं कल हमने राइड की थी रानी पे काफ़ी मज़ा आया था और तकरीबन काफ़ी लॉन्ग राइड की थी रात को इशा के बाद हम आए थे घर और बड़ा मज़ा आया था अंधेरे में राइड करने का और घोड़ी ने तो फिर क्या बात है मज़ा करवाया था करवाने की तरह घोड़ी ने मेरा ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस उस रानी पे और रात की राइड तो पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा की है और रानी पे कल पहला एक्सपीरियंस था तो ये कह लें कि बड़ा मज़ा आया घोड़ी ने दिन को तो रोशनी में तो क्या बात है तब तो मज़ा करवाया ही करवाया मगर जो रात का मज़ा आया ना घोड़ी जब आई ना ठप ठप करती बिल्कुल सन्नाटा था हर तरफ और खेतों में से डंडियों में से एक सेम नाला है हमारे पास एक व्लॉग में हमने आपको दिखाया भी था तो उसमें से जब गुजरी ना तो क्या कहते हैं कि बड़ा मज़ा आया खैर ये तो साथ चलता रहेगा अभी 10-12 दिन हम इस पर डेली राइड करेंगे रानी पे तो एक मेला भी आ रहा है वो भी आपको दिखाएंगे जाके आपको लाइव दिखाएंगे व्लॉग भी बनाएंगे अपनी रानी को भी लेके जाएंगे उधर तो फिलहाल अपनी घोड़ी की जाना जी तो दोस्तों आज ना हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है हमारे जो पेरेंट्स थे ना इधर से दूसरी साइड से इधर निकल के आ गए तीन इधर हैं तीन उधर साथ थे और एक फुर हो गया फुर हो गया अब इनको पकड़ने लगे अल्लाह खैर करे और जा स्टैंड चक के ले आ वो आ गए तो अभी पकड़ते हैं पकड़ के इनको छोटे पिंजरे में बंद करते हैं तो फिर इनका कोई हल निकालते हैं बस इधर है इधर और नुक्कड़ में जाना इधर बैजा इधर बैजा मैं इधर तोते ना जाना तेरे लोग चल चल हम निकलो उधर पासे नाप गेन जावे ना वो तो तेरे लिए। इतनी बारिश है बाबा ना छेड़ना तेरे लग कुछ नहीं
ये देखिए आखिर एक ही था, पकड़ लिया इसको हमने। इन्होंने बड़ा काम खराब किया है। ये देखिए चल खोल था कि खैर है, ये यहाँ से आए, ये जो सुराख है ना छोटा सा, ये पास किया उन्होंने। चल ये देखिए छोटा सा सुराख में से ये जाते थे कैसे, ये देखिए। दोस्तों बड़ी मुश्किल से हमने अपने पैर्स को काबू किया, एक तो निकल गया उड़ गया। मुझे फील हुआ था कि कोई पैरट्स इधर घूम फिर रहा है, मतलब मैंने गौर नहीं इतना किया। जब मैं केज के पास आया तो मैंने देखा कि जो पीकॉक का केज है उसमें वो घूम फिर रहे हैं, तो मैं तब भागा। फिर वो मतलब पल्लियाँ वगैरह जाली वगैरह बंद की, फिर उसको पकड़ा। तो अभी ना बस ये देखिए दाना खा रहे हैं, इनको ये इधर आ गए। तो बस थोड़ी देर तक शहर निकलते हैं तो केज का कोई इंतज़ाम करते हैं। यार ऐसे नहीं काम चलेगा, ये ना कि हम अपने पैरट्स ही फुर फुर कर दें। तो दाना वगैरह डाल देते हैं इनको। ये मैंने जल्दी जल्दी में केज खाली किया कि इसमें पैरट्स को बंद करना, मगर नहीं, वो काबू हो गया, पता चल गया कि कहाँ सुराख था, उसको बंद कर दिया। तो कोई बात नहीं, एक उड़ गया, आज़ाद हो गया, कोई मसला नहीं जी। तो इधर इनको भी दाना डाल देते हैं। मेरे ख्याल से इनफ है इतना दाना, ये तुम भी खा रहा। ये भी मांग रहे दाना, इनको भी डालते हैं। देखिए आज मोर को हमने खुला छोड़ा क्योंकि हमारे पैर्स उस केज में आ गए, तो इसको खुला छोड़ दिया था हमने। ये देखिए इसके काम देखिए। ਉੱਧਰ ਕਮੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਓਏ, ਤੋ ਆਜ ਨਾ ਹਮ ਇੱਧਰ ਸ਼ਬਨਮ ਕੋ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਦੂਸਰੀ ਘੋੜੀ ਕੋ ਉੱਧਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਮਨੇ ਤਿੱਤਲੀ ਕੋ, ਇਸ ਕੋ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ ਹਮ। ਓ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਕੋ ਦਾਣਾ ਡਾਲਾ ਹੋਇਆ ਚਾਰਾ ਆਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਡਾਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੋ। उसको हमने उधर कर दिया, अब इसको एक दो हफ्ते इधर रखते हैं, इसकी थोड़ी केयर करते हैं, थोड़ी वीक हो गई है तो अल्लाह करके इसको सेट मेट करते हैं। ओ होली चढ़, भगवान को ऊपर चढ़ाया, सट दे ओए सट जी, कैच कर लिया हमने, दो और सट। बस बहुत आ जा, बस बहुत आ जा, थल्ले आ जा, थल्ले आ जा बस। तो जी माशाल्लाह, ये यहाँ तो वो छोटी सी लग रही थी, माशाल्लाह ये तो बड़ी घोड़ी लग रही, माशाल्लाह क्या बात है। चलो जी तुम्हें चुको ते छोड़ दे ओदे विच खुड्डे दे विच, तुम्हें चुक ले, हाँ खुड्डे छोड़ दे, खा लेना नापी दो दो जगह के ना, देखिए बाहर निकल जाना। ले जी सवार साहब आ चुके हैं, तो जिंद पे और दूसरी साइड का, और अगले पास का, अगले पास का,
इंज इंज सवारी करेंगे जी। माशाल्लाह जिंद को बाहर निकाला तो इस पे सवारी करेंगे। अदा तीसरी राइड है आज, तीसरी सवारी जी, आज तीसरी सवारी है जी। तो अल्लाह खैर करी जी, 8-10 सवारियाँ होगी इस पे तो माशाल्लाह फिट हो जाएगी। इसका अभी कदम पकार है, जैसे कहते हैं कदमों कदमी कदम पकाएंगे इसका। कैमरा वीडियो बन दी है, इतना रख कैमरा क्या अपना है ना। जी तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया जनाब वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं जनाब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।